नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मोटर जोन पे। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संजीव स्वामी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं जो आपके ड्राइविंग स्किल्स के अंदर शामिल कर सकते हो आप। एक्चुअली क्या है, अभी है वो मौसम है, भयंकर गर्मी पड़ रही है और साथ में आंधी तूफान ये भी चलता रहता है। तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए दो पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आप अपनाते थे या नहीं, और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा एसी का यूज को लेकर। तो दोस्तों जनरली आपने देखा है कि गर्मियों के अंदर है वो एसी हम चला लेते हैं, जैसे ही गाड़ी ऑन करते हैं हम एसी चला लेते हैं। तो दोस्तों कम से कम आपको एसी चलाने के लिए गाड़ी को पहले एक मिनट तक आप गाड़ी को बिना एसी के चलाइए, और उसके बाद में अपने चारों शीशे डाउन कीजिए और फिर एसी चलाइए। इससे क्या होगा, गाड़ी के अंदर कूलिंग भी होगी और एसी है जो मेंटेनेंस की कम देगी। और दूसरी चीज़, गर्मियों के अंदर भी आप, मैं ये बोलता हूँ कि आपकी गाड़ी जब खड़ी हो या फिर आप चल रहे हो तो आप एटलीस्ट है वो 7 दिन के अंदर आप है वो हीटर जरूर चलाइए। और दोस्तों ऐसे ही हमें क्या करना है सर्दियों के अंदर, हमें करना है सर्दियों के अंदर क्या करते हैं हम दोस्तों कि जनरली हमें वो हीटर तो चला लेते हैं बट एसी नहीं चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी है उसके अंदर एसी के अंदर मेंटेनेंस मांगने लग जाता है, एसी के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो दोस्तों सर्दियों के टाइम पे भी आपको क्या करना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें सर्दियों के अंदर भी है वो एसी ज़रूर चलाना है दोस्तों। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि हमें सर्दियों के अंदर है एसी है, कभी कभी हफ्ते में चाहे एक दिन चलाओ। इससे क्या होगा कि एसी है वो एसी के अंदर है वो जंग नहीं लगेगा, एसी के जो अंदर के पुर्जे होते हैं उनके अंदर है वो जंग नहीं लगेगा, एसी का फिल्टर है वो ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही गर्मियों के अंदर और एक ऐसे ही सर्दियों के अंदर हमें करना चाहिए कि गर्मियों के अंदर एक बार है वो हफ्ते के अंदर हमें हीटर चला लेनी चाहिए। और तो इससे क्या होगा, सर्दियों में अगर आप एसी चलाते रहोगे बार बार तो इससे आपको अगर कोई एसी के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है और है तो वो आपको पता चल जाएगी और उसको गर्मियों के लिए आप तैयार करके रखोगे पहले से ही। और अगर गर्मियों में आप हीटर वगैरह चेक करते रहोगे तो सर्दियों में आपको अचानक प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एसी है वो गाड़ी का बहुत एक मेन यूनिट के तौर पे काउंट होता है। और दोस्तों मेरा जो अगला पॉइंट है वो है वाइपर को लेके और विंडशील्ड को लेके, कि आप है वो वाइपर को कब यूज़ करते हैं, कब उसको चेंज करवाते हैं और क्या अपनी विंडशील्ड का आप ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि हम वाइपर, अभी आंधी आती है तो मिट्टी हो जाती है और तो हम क्या करते हैं वाइपर चला लेते हैं तुरंत। तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना, पहले आपको ये अपने वाइपर, अगर आपके वाइपर पे मिट्टी लगी हुई है तो आप वाइपर की मिट्टी है वो झड़का लीजिए, साफ कर लीजिए। एक्चुअली क्या होता है जिसके जो वाइपर की जो मिट्टी है उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो विंडशील्ड के ऊपर स्क्रैच कर देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, चाहे आप कितनी भी हाई बीम की लाइट कर लो आपको नाइट के अंदर वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा स्क्रैच, क्योंकि वाइपर हम चलाते हैं तो गोड़े से बन जाते हैं और उससे नाइट के अंदर विजन के अंदर प्रॉब्लम होती है और वो हमारे लिए बहुत एक रिस्क वाला काम है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि वाइपर की ब्लेड, आप है ना वाइपर के ऊपर हाथ लगा के देख लीजिए, आपको ऐसे फील होगा कि थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ऑयली सा होता है वाइपर, जिससे क्या होता है वो डस्ट, जो डस्ट है वो उसके ऊपर सही से जो विंडशील्ड की डस्ट है वो उसको वो कैप्चर कर लेता है। अगर वो हार्डनेस आ जाती है वाइपर के अंदर, वाइपर की ब्लेड के अंदर, तो आपको वाइपर की ब्लेड है चेंज करा लेनी चाहिए। और दोस्तों तीसरी चीज़, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिना पानी के वाइपर कभी मत चलाना। अगर आपके वाइपर की टंकी के अंदर पानी नहीं है तो आप उसके अंदर ऊपर से चाहे पानी डाल लेना, बट आप है ना कभी भी बिना पानी के वाइपर मत चलाना। और मैं तो एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आजकल है शैम्पू चल रहा है विंडशील्ड शैम्पू, आप वो यूज़ कीजिए। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप घर के अंदर रहती है, हर घर के अंदर शैम्पू होता है, आप वो शैम्पू डाल लीजिए, उससे क्या होता है आपके विंडशील्ड है वो साफ भी रहती है, स्क्रैच भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीज़ है वो बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि एसी को सही तरीके से यूज़ करना ताकि हमारी एसी का खर्चा है वो कम से कम आए, और इस गर्मियों के सीजन में हम जनरली एसी यूज़ करते हैं तो एसी का खर्चा कम से कम आए। दूसरा दोस्तों, विंडशील्ड और वाइपर का सही तरीके से यूज़ करना ताकि विंडशील्ड के ऊपर है वो स्क्रैच नहीं लगे, अगर स्क्रैच लग गए तो ये हमारे लिए बहुत रिस्की होता है और बहुत, अगर हम विंडशील्ड को चेंज कराते हैं तो अच्छा खासा खर्चा आता है, जबकि वाइपर है वो 300-500 रुपये तक वाइपर वो आराम से हमें मिल जाता है मार्केट के अंदर, अच्छी वाइपर की ब्लेड मिल जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना। और आप मुझे ये बताइएगा कि ये चीज़ें आप करते थे या नहीं करते, नहीं करते थे तो आप करने जरूर लग जाना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।